अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। तो आज हम निकले हैं नीम के सफ़र के लिए कि हम लोगों को नीम कहाँ से मिलती है। यहाँ पर तो मैंने काफ़ी एरिया अपना देख लिया, छान लिया, पर मुझको नीम बिल्कुल भी नहीं मिली। तो आज मैं आई हूँ एक एरिया में ऐसे जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे नीम ज़रूर मिलेगी। और अपना सफ़र को जारी रखते हुए चले आएँ, देखते हैं कि हमें नीम कहाँ मिलती है। बाज़ जगहें कितनी पुरसकून होती हैं ना, बस दिल करता है इंसान चलता जाए। नीम के सफ़र के लिए निकले थे, रास्ते में हम लोगों को मिल गई काली तोरी। और काली तोरी का हम लोगों ने देखा यहाँ पर, जिसका सीज़न अभी ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे एक तोरी लगी हुई थी। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर भिंडी देखी। भिंडी का भी सीज़न तकरीबन बल्कि ख़त्म ही हो गया है। और फिर इसके अलावा हम लोग और मज़ीद आगे चले तो हम लोगों को नज़र आया एक बहुत ही प्यारा पौधा, जो कि पता नहीं, पहले तो लगा माल्टे का है, फिर उसके बाद लगा मौसम्मी का है, फिर बाद में कंफर्म हो गया कि ये है जी हमारे कीनू। और कीनू आप लोग देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल किया तोड़ने का, मगर अभी खट्टे थे तो इसलिए मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। और इनकी बनाई मैंने प्यारी प्यारी वीडियो, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत ये माल्टे हैं। और यहाँ पर ये माल्टे का दरख्त है। अच्छा, पंजाब की खूबसूरती है, यहाँ पर फल बड़ा होता है, जहाँ जहाँ जाओ जगह जगह हर जगह फल ही फल। के साथ लगा है अनार का दरख्त, और अनार भी यहाँ पर थोड़े लगे हुए थे, यानी कि नीचे एक लगा हुआ था, ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप लोग भी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये अनार के अनार का दरख्त है। इससे थोड़ा सा आगे आई तो मुझे पपीता मिल गया, पपीता भी बहुत प्यारा लगा हुआ था, भरा हुआ दरख्त था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि पपीते जो है इसके फूल बनते हैं और साथ एकदम से क्यों गिर जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँचे जी नीम, नीम हम लोगों को मिल गई आखिर। और नीम का क्या फ़ायदा है इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने अपनी एक वीडियो भी डिटेल में मैंने शेयर की हुई है। और इस अभी जो नीम मुझे चाहिए वो मुझे क्यों चाहिए, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को भी जल्द बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये नीम हम लोगों को प्लांट्स के लिए क्यों चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।